राम 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 से बड़ा राम का नाम। सत्य तो ये है बंधु कि इस राम नाम से ही केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त संसार का अस्तित्व संभव है। ये राम नाम ही है जो इस संसार को पाप मुक्त करेगा। पता है स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझसे कहा था कि हनुमान आने वाले समय में जब जब युग परिवर्तन होगा धर्म का एक एक चरण नष्ट होता चला जाएगा और कलयुग के आने तक तो धर्म का केवल एक ही चरण शेष रह जाएगा। परंतु मैं कहता हूं बंधु कि कोई भी युग क्यों ना हो मेरे प्रभु श्री राम के नाम में तो संसार के सभी पुण्य संपूर्ण धर्म समाहित है। त्रेता युग में तो स्वयं प्रभु श्री राम ने अधर्म का नाश करके संसार में धर्म की स्थापना की थी, परंतु अब आने वाले समय में केवल प्रभु श्री राम का नाम ही होगा जो सबकी मुक्ति का मार्ग बनेगा। मैं समझ गया प्रभु, मुझे मेरा उद्देश्य मिल गया। जिस राम नाम का जाप करने से पत्थर भी पानी पर तैरने लगता है, मुझे उसी राम नाम को जन जन के हृदय में स्थापित करना है। तभी तो आरंभ होगा राम युग। जय श्री राम। असुरों से युद्ध करना सरल था, समुद्र लांघना भी सरल था, और सत्य बताऊं तो संजीवनी बूटी लाना भी सरल था। यदि कुछ कठिन है तो इन बच्चों को समझाना। कभी इन्हें भयंकर वन में उगे फल फूल खाने का मन करता है, तो कभी मगरमच्छों से भरी हुई नदी में स्नान करने का मन कर बैठता है, तो कभी दुर्गम पर्वतों के ऊपर से मेरे कांधे पर बैठकर उड़ने का मन कर बैठता है। इनसे तो प्रभु श्री राम ही बचाए, दुष्ट कहेंगे। वैसे इतने भी दुष्ट नहीं है, इतने क्या बिल्कुल भी दुष्ट नहीं है। सत्य तो यह है कि जब ये शरारते करते हैं तो मैं भी इनके साथ जी भर के शरारते करता हूं, और इन्हीं के साथ एक बार पुनः अपना बचपन जी लेता हूं। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि इन्हें समझाना भले ही कठिन हो, परंतु इन्हें समझना और इनके साथ जीना उतना ही सरल, उतना ही परम आनंददायी है जितनी मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति। जय श्री राम। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें भूल गया, परंतु सत्य तो यह है कि भूल तुम रहे हो महानद। जल का कार्य है लोगों को जीवन देना, उनका जीवन संकट में डालना नहीं। इसलिए जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ, वहां के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हो, भोजन बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। जाओ, लौट जाओ। क्या हुआ, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मैं समझ गया, इस प्रकार मेरे सामने से जाते हुए तुम्हें भय लग रहा है ना, लज्जा भी आ रही होगी। कोई बात नहीं, कोई बात, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान भी निकाल लिया है। देखो मैं अपने नेत्र मूंद के खड़ा हो जाता हूं, तुम बिना भय के बिना लज्जा के यहां से चले जाओ। जाओ, अपना ध्यान रखना महानद। देखा मंगल, देखा वैजयंती, मैं ना कहता था बड़ी से बड़ी समस्या भी हो तो भी युद्ध उसका समाधान नहीं होता। देखो जैसे मैंने चुटकी बजाते ही इस समस्या को सुलझा दिया। तुम दोनों इतने मौन क्यों हो? तुम्हारे मौन से तो ऐसा लगता है जैसे वो महानद गया नहीं, अभी तक यही मेरे समक्ष ही खड़ा हुआ है। कहीं वास्तव में मेरे समक्ष ही तो नहीं खड़ा हुआ? बड़े हठी हो तुम महानद, मेरा इतना समझाने पर भी नहीं गए तुम। उचित है तो अब तुम्हें धर्म का पाठ ढंग से पढ़ाना होगा।
अब तुम्हें ज्ञान से नहीं अपनी गदा से तुम्हारे इस अहंकार को धोना पड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।